हाय एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल मैं हूं कृतिका दिस इज ओ टू आई एस अकेडमी और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स के साथ में सो एज आई टोल्ड यू अक्टूबर का महीना थोड़ा हेक्टिक रहा है एग्जाम्स चल रहे थे एज वेल एज फेस्टिवल सीजन भी था तो और बहुत सारी न्यूज़ भी नहीं थी सेंस इलेक्शंस जो है हिमाचल में हो रहे हैं और अभी नवंबर मिड नवंबर बारह नवंबर को आई गेस आपके इलेक्शंस हैं तो बहुत सारी न्यूज़ नहीं है लेकिन जो है वो इंपॉर्टेंट है इसी के लिए हमने अक्टूबर को दो वीडियोस में कर लिया पहले पंद्रह दिन और आखिरी के पंद्रह दिन जो आखिरी पंद्रह दिन है उनके करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर आज डिस्कस करने वाली हूँ इसकी एक अलग से प्ले बनी हुई है हिमाचल में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर्स आपको हेल्प करते हैं सो so, चलिए शुरुआत करते हैं इन लेक्चर्स के पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हम आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा वहां से जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक्सेस कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप यू की या स्टेट पी की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आपको चीज़ हेल्पफुल वहाँ पर लगे उसको आप चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बूस्ट कर सकते हैं तो so, शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली न्यूज के साथ में पहली न्यूज़ है अबाउट अ कुल्लू गर्ल जिनका नाम है ईशानी सिंह जम्वाल उन्होंने जो सिक्स हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की जिसका नाम है माउंट छो ओयू उसको यहाँ पर स्केल किया है कॉन्कर किया है अगेन शी इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने सदन साइड से डिफ़िकल्ट वाला पाथ लेकर जो सबसे चैलेंजिंग रूट है उसमें से वो गए एंड शी इज़ द ओनली वुमन सारे क्लाइंबर्स में जो ऊपर पहुंचे उन्होंने स्केल किया इस पीक को इससे पहले हमने किसका नाम पढ़ा था इसका नाम इससे पहले हमने सोलन की बलजीत कौर का पढ़ा था जिन्होंने टॉप uh, जो वर्ल्ड की हाइएस्ट एट पीक्स हैं उनको स्केल किया हुआ है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी ये पीक्स हैं पहली आती है माउंट एवरेस्ट इज टू कंचनजंगा होदसे मकालू छो ओ यू देसू नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा सो ये आपकी हाइएस्ट पीक ऑफ दर्ल्ड है एंड ये सारी हिमालय पीक्स हैं एंड दे आर एट दी मोस्ट ऑल्टीट्यूड फ्रॉम दी मीन सील राइट नेक्स्ट हमारी न्यूज कहती है कमिशनिंग ऑफ पावर प्रोजेक्ट कमेंसेज तो यहाँ पर एक जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है यूपी में वो कमीशन किया गया है यहाँ पर कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो, वो कमीशन किए जाते हैं एस के बारे में पता होना चाहिए सतलुज जल विद्युत निगम एक पी है जो अगेन हमारे जो डैम्स हैं उनका मेंटेनेंस भी देखता है एज वेल एज नए डैम्स जो बाहर बनाए जाते हैं उनको भी देखता है डैम्स ही नहीं अदर देन दैट सोलर पावर में भी यहाँ पर यह काम कर रहा है तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक नया सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा विच विल वर्क ऑन दी बिल्ट ओन ऑपरेट बेसिस यहाँ पे ना कुछ वर्किंग ऑपरेटिंग मॉडल्स रहते हैं जिनके ऊपर एस काम करता है, जैसे कि हम लोग जब नेपाल में एक प्रोजेक्ट बन रहा है अरुणा रिवर के ऊपर हमारे मोदी जी गए थे उन्होंने वहाँ पे इसको इनाग्रेट भी किया था और तो वो है बिल्ट ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस के ऊपर यानी कि एस जी वी एन उसको बनाएगा ओन भी करेगा ऑपरेट करेगा एंड बाद में जो है आफ्टर फ्यू ईयर्स वो नेपाल की गवर्नमेंट को उसको ट्रांसफर कर देगा तो वैसे ही ये जो वाला ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें ट्रांसफर नहीं है इसमें सिर्फ बिल्ट ओन ऑपरेट बेसिस के ऊपर इसको बनाया गया है राइट right? नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके की न्यूज है कि एस जी वी एन ने कैमओ यू साइन किया थाउजेंड मेगा फ्लोटिंग सोलर uh, प्रोजेक्ट के लिए अब जो अभी एच हुआ है सिक्सटीन अक्टूबर वाला उसमें पूछा गया था कि पहला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर बनाया गया तो वो कहाँ पर बनाया गया वो था आंसर तेलंगाना राइट तो उसी एरिया में ग्रीन एनर्जी की हम बात हैं ये उसी एरिया में एस ने भी आगे अपना जो अपना योगदान है वो यहाँ पर दिया और आने वाले टाइम में जब ये यूनिट्स प्रॉपरली बन जाएंगे तो इनके बारे में हम और पढ़ेंगे एक तो जो दो चीज़ें पेंडिंग है एक हिमाचल की सोलर पॉलिसी हमने कवर नहीं की है सिंस अब मेंस भी आएगा एन का भी आएगा एच एस का भी आएगा तो सोलर पॉलिसी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्योंकि हिमाचल जो है मैक्सिमम अपनी पोटेंशियल्स एक्सप्लोर करता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में है ना जैसे हमें उसका पता है कि ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मेगावाट के पास में जो है एनर्जी का पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश रखता है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड है जिसमें से ट्वेंटी फोर थाउजेंड मेगावाट वॉट हार्नेसेबल है और उसमें से भी 2021-22 ईयर में हमने कितनी बनाई है दस हजार मेगावॉट के पास में सोलर हाइड्रो पावर का हमें पता है क्योंकि पांच प्रमुख नदियां हैं और हमारे पास बहुत सारा रिसोर्स है लेकिन सोलर पावर को कितना एक्सप्लोर किया है ये सोलर पॉलिसी में बात की गई है तो आने वाले दिनों में आप बने रहिएगा ताकि हम इसको भी डिस्कस करें तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज है अबाउट अ जर्नलिस्ट एंड अ एजुकेशनिस्ट जिनका नाम है वेपा राव ही पास्ड अवे सो so, इनको हमारी रिस्पेक्ट एंड इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जैसे ही वॉज़ द वन जिन्होंने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की स्थापना की थी हिमाचल प्रदेश में इन द ईयर 1990 देन हम बात करते हैं कि इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को भी यहाँ पर हेड किया है इनको बहुत सारे इनके लाइफ टाइम में इस तरीके के अवार्ड्स दिए गए हैं एंड इनके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए राइट right? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लिंगर एरिया लिंगर एरिया ऑफ लाहौल स्पीति डायरेक्ट क्वेश्चन कि लिंगर एरिया कहाँ पर है तो लाहौल एंड स्पीति में है यहाँ पर सबसे लीस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं दैट इज इस एरिया में सिर्फ 38 वोटर्स हैं अब आने वाले विधानसभा के इलेक्शन तो आ ही रहे हैं तो उसी के संदर्भ में बेसिकली इसको यहाँ पर न्यूज़ में लाया गया है जैसे पिछली बार हमने ताशीगांग पढ़ा था बताया था ना मैंने कि 2019 के एलाइड में डायरेक्टली पूछा गया था कि विच इज दाइस्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड तो वो था आपका विलेज अगेन इसकी हाइट पता होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एच पी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है इन स्टैट्स के ऊपर सो दैट इज फिफ्टीन टू फाइव सिक्स फीट ये याद रखना है एंड लिंगर एरिया हो गया झालमा जा, है दीज आर दी हाइस्ट पोलिंग स्टेशंस लाइक हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर है और कम यहाँ पर वोटर्स हमें देखने को मिलते हैं तो लिंगर एरिया कहाँ पर है यह आपका लिंगर एरिया लाहौल इन स्पीटी नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी फीचर फिल्म ऑफ शिमला लैंड टू बी प्रमेर इन एस्टोनिया फेस्ट एस्टोनिया कहाँ पर है तो ये नॉर्दर्न यूरोप की एक कंट्री है और यहाँ पर एक क्या हो रहा है एक फेस्ट हो रहा है फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जिसमें एक स्क्रिप्ट uh, जो है स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं एक फीचर uh, फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हिमाचल के रहने वाले सिद्धार्थ चौहान ने जिसका नाम अमर कॉलोनी है तो वो वहां पर इसको प्रमेयर uh, किया जा रहा है अगेन इंडिया का कोई और उसमें फिल्म जो है उसको फीचर नहीं किया जा रहा सिर्फ ये है और वो भी हिमाचल के रहने वाले सिद्धार्थ चौहान हैं तो अगेन इनका जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए और जो ये फिल्म है इसका नाम है अमर कॉलनी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आती है स्पेशली एबल्ड गर्ल यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल लड़की है जिनका नाम है काव्या वर्षा उनको अभी एक यहाँ पर अवार्ड दिया गया है उनकी राइटिंग के ऊपर सो so, ये बचपन से ही वॉक नहीं कर सकती हैं इन्होंने खुद खुद को एजुकेट किया अगैन लैंग्वेज़ में डिफरेंट लैंग्वेज में हिंदी में और पंजाबी में और उसके बाद में इन्होंने पोएम्स की एक कलेक्शन निकाली थी 2021 में जिसका नाम है नील गगन को छूने दो और अगेन uh, इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं जिसके लिए इनको यहाँ पर ये विलक्षण प्रतिभा लेखक अवार्ड दिया गया है तो ये बहुत ही स्पेशल हैं और इस तरीके से अगर आपको याद होना चाहिए कि नील गगन को छूने दो ये किसने लिखी है का right? का ये part आ जाता है. Next news कहती है कहती कि पत्थर का खेल जो है वो धामी विलेज में खेला गया यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जैसे कि धामी धामी एक स्टेट भी हुआ करती थी प्रिंसली स्टेट जिसकी कैपिटल हलोग थी और इसकी स्थापना किसने की थी तो उनका नाम था गोविंद पाल और माना जाता है कि गोविंद पाल डिसेंडेंट थे पृथ्वीराज चौहान के सो so, इकलौती ऐसी जो आपकी प्रिंसली स्टेट है जिसके पूर्वज पृथ्वीराज चौहान माने जाते हैं वो यही है हलोग और धामी एंड गोविंद पाल ने उनकी स्थापना की यहाँ पर एक बहुत ही अनोखा खेल, खेल खेला जाता है जिसको कहते हैं स्टोन फेयर जिसको पत्थर का खेल, खेल खेला जाता है कहा जाता है दिवाली के दूसरे दिन इसको मनाते हैं और इस तरीके से सब लोग जो है एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं अभी देखने में ऐसा लगेगा कि ये लड़ाई है और जब आप इसको इसकी मान्यता की बात करते हो तो बहुत पहले की जब हम बात करते हैं ना यहाँ पर ये बहुत धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है यहाँ तक पत्थर के खेल तक सबसे पहले ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया जाता था ह्यूमन सेक्रीफाइस से ये विमेन पे आया कि सिर्फ सती यहाँ पर की जाएगी उसके बाद में यहाँ पर जो है Uh, और सेक्रीफाइजिज दिए गए कि किसका लाइक रॉयल फैमिली का देते थे पहले उसके बाद में नॉर्मल लोगों पे आए फिर एनिमल सेक्रीफाइस पे आए देन वी टॉक अबाउट कि धीरे धीरे वहाँ पर जो भी अलग अलग फ्रूट्स वगैरह रखे गए उनकी दी गई एंड फाइनली ये पत्थर का खेल यहाँ पर शुरू हुआ तो इसमें क्या होता है कि जिससे खून निकलता है सबसे पहले जिसको पत्थर लगता है और खून निकलता है तो उस खून से जो आपकी देवी हैं देवी काली उनको यहाँ पर टीका लगाया जाता है एंड माना जाता है कि उनको काली जो देवी है उन्होंने यहाँ पर ब्लेस किया है तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन प्री फैक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेन्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगेन जो कल्चरल वैल्यू रखता है वो भी काफी ज्यादा है राइट right? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एनजी ने शिमला डेवलपमेंट प्लान को यहाँ पर इलीगल घोषित कर दिया तो ये बात हो रही है एनजीटी की दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये प्लान मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है दो अभी इसकी इम्पॉर्टेंस थोड़ी सी कम है क्यों है कम क्योंकि ये अप्रूव नहीं हो रहा अप्रूव यहाँ पर बात की जा रही है किस तरीके से शिमला को डेवलप uh, किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाए जाएंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है कि भाई ये बहुत ही अनस्टेबल एरिया है शिमला में बहुत सारी चीज़ें बैन हैं लाइक आप बहुत सारे फ्लोर्स नहीं बना सकते इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते सो so, उसी तरीके से कि इट्स वेरी अनस्टेबल जोग्राफिकली काफ़ी हम इकोलॉजी इकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा क्या है अनस्टेबल एरिया है तो इस डेवलपमेंट प्लान में बात की गई है कि आसपास वाले जो एरियाज हैं उनको सैटेलाइट टाउन बनाया जाएगा आसपास के एरिया फागू वाली साइड हो गया नारकंडा उसको भी डेवलप किया जाएगा लेकिन एनजीटी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देता है कि नहीं आप यहां पर इसको नहीं यहां पर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो अगेन जब ये अप्रूव होगा तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन तब तक ये आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसमें कशमकश चल रही है और अभी इसको अप्रूव नहीं किया गया right? है राइट नेक्स्ट आते हैं टूरिज्म बेनिफिशरीज डिमांड बेटर इन इन हिमाचल प्रदेश तो इसके बारे में क्या है अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि जब से कोविड का सेशन ख़त्म हुआ है ना टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया रिकवरी की हम लोग बात करते हैं ना इसमें कि हम लोग रिकवर करेंगे वी शेप रिकवरी रहेगी कोविड से जितना भी हुआ है तो बजट की भी अगर हम बात करें या इकोनॉमिक uh, सर्वे की भी बात करें तो उसमें हमने देखा कि टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया और सेक्टर्स पे जैसे आपका इंडस्ट्रीज़ है उसकी पॉलिसी भी रिवाइज की गई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया तो ये जो टूरिज़्म के बेनिफिशरीज हैं ये कह रहे हैं कि हम लोग को बेटर इंफ्रा चाहिए जो बेसिक कम्यूनिटीज हैं वही नहीं पहुंच रही हैं जो भी आपके टूरिस्ट हॉटस्पॉट है वहाँ तक तो आगे किस तरीके से चलेगा तो इसमें मैं बात करना चाहती हूँ टूरिज्म की टूरिज्म एक बहुत ही इलेबरेटेड टॉपिक है एच के किसी भी एग्जाम का इसमें हम लोग टूरिज्म की पोटेंशियल की बात करते हैं इनिशिएटिव्स की बात करें टूरिज्म पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डिफरेंट इको टूरिज्म थीम बेस्ड टूरिज्म को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाता है फिर इसमें हम और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे क्या क्या चैलेंजेस है किस तरीके से इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जा सकता है तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है मैंने बहुत बार कवर भी किया है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिर से कवर करें तो फिर से भी कर लें ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे शिमला कीप्स इज्स एयर क्लीन ऑन दिवाली सो दैट्स अ गुड थिंग गुड थिंग इज कि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है कि हमारा एन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पटाखे चलाने से ज़्यादा है ना तो शिमला ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है शिमला का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड ही रहा इवन आफ्टर दिवाली और ऑन दिवाली वेर इज अगर हम और जगह की बात करें दिल्ली हरियाणा पंजाब इस वाले एरिया में एक मेजर ड्रॉप हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखने को मिलता है और भी सिटीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सिवेयर किसी का भी नहीं है सारे के सारे जो हैं मॉडरेट सेटिस्फैक्ट्री और गुड के बीच में ही हमें देखने को मिले एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या तो यहाँ पर डिफरेंट जो एमिशन्स रहते हैं एनवायरमेंट में पार्टिकुलेट मैटर है कार्बन मोनऑक्साइड ओजोन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड लेड और अमोनिया इसके सारे के सारे एमिशंस को चेक किया जाता है और उसके बेस पे एयर की क्वालिटी को जज किया जाता है अलग अलग रहते हैं ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर रहेगा उसके हिसाब से होगा कि गुड है सेफ है सेटिस्फैक्ट्री मॉडरेटली पुअर वेरी पुअर या से तो आप अगर uh, दिल्ली के आसपास के एरिया की अगर बात करो दिवाली के बाद में यहाँ पर पुअर और वेरी पुअर ही एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें देखने को मिलता है एंड हिमाचल इज़ डूइंग वेल इन दिस राइट सो दैट इज़ इट फॉर टुडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग